गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में लेक्चर नंबर 7 पे आ गए हैं। ये भी कॉन्सेप्ट ही है, आपके बुक में थोड़े थोड़े दिया हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा डेप्थ में बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चीज पढ़ेंगे, एक सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे और एक हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो चालू करते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लेते हैं, एस जी एन ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन में एक्स, जहां पे एक्स ये नीचे में है। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और ये कभी इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू जीरो होगा। अगर एक्स का वैल्यू जीरो लिया जाएगा तो वाई का वैल्यू जीरो होगा, यानी ये पॉइंट जीरो जीरो को सेटिस्फाई करेगा। किसी किसी बुक में ये उल्टा लिखा रहता है, ये ऊपर ये नीचे लिखा रहता है, सिग्नम फंक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन में मॉड एक्स, तो भी वो भी सही है। लेकिन इस हालत में भी एक्स जीरो नहीं ही लेना है, नहीं लेना है एक्स। अगर एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो इसका वैल्यू वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अभी कैसे होगा देखो, समझने का प्रयास करो, फिर इसके ऊपर बात करूंगा। एफ ऑफ एक्स देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स। तो मालूम है कि मॉड एक्स दो पास केस में टूट जाता है, एक बार प्लस एक्स होगा, एक बार माइनस एक्स होगा। मैंने बताया हुआ पहले मॉडुलस फंक्शन पढ़ाते वक्त। लेकिन ये कब होगा, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन, अब इक्वल टू होता था लेकिन इक्वल टू नहीं लेंगे, यहाँ इक्वल टू लिखा हुआ पहले से, इसलिए इसको छोड़ता हूँ। ग्रेटर देन जीरो एक्स का वैल्यू माइनस एक्स का, जो एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो, एक्स का जीरो केस ये लिखा हुआ, इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू अलग से स्पेशलाइज लिया हुआ है। ये हो गया हमारे पास, और एक्स का वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे देख लो, ये हो गया मॉड एक्स का, मॉडुलस फंक्शन का ही मतलब हो गया। लेकिन उसके नीचे एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एस जी एन सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहले केस में क्या हो जाएगा, प्लस एक्स आया तो प्लस एक्स, और नीचे में कितना लिखा हुआ, एक्स एक्स। तो यहाँ पे पहला केस क्या बनेगा, काटेंगे इसको, कितना आया वन, तो प्लस वन आया। कब, तो एक्स का वैल्यू हमने लिया था ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो, एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो क्या आंसर है, माइनस एक्स, और नीचे में क्या है, एक्स, तो लगा दी ई एक्स। ये कटिंग करेंगे कितना आएगा, माइनस वन। ये किस केस में, जो एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो तो है, जीरो पर एक्स का जीरो पुट करो तो वाई का जीरो आ जाएगा, एक्स का जीरो पर तो वाई का जीरो। इसके कितने आंसर आ गए, ध्यान से देखो तो इसका आंसर आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे जो सिग्नम फंक्शन एक बार क्या हो रहा है, एस जी एन कर लो, एस जी एन एफ ऑफ एक्स बराबर सिग्नम फंक्शन एक्स कर लो, इसको अच्छा लगेगा तुमको, कंफ्यूजन ना हो। तो तीन आंसर आते हैं, एक बार प्लस वन आता है, एक बार जीरो आता है, एक बार माइनस वन आता है। प्लस वन कब आता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पाता है। ये कब आता है, एक्स का वैल्यू जीरो होता है। ये कब आता है, एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होता है। तो इसको ध्यान में रख करके, ध्यान से देखो, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, एक्स का वैल्यू जीरो, एक बार तो ये वाला जीरो जीरो लिया, यहाँ पे एक्स का जीरो वाई का जीरो, सिर्फ ये पॉइंट होगा, एक्स का जीरो और वाई का जीरो, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट होगा, एक्स का जीरो वाई का जीरो। अब क्या बोला, एक्स का वैल्यू एक से ज्यादा, एक्स का वैल्यू देखो जीरो और एक्स का वैल्यू जीरो ज्यादा लेना है, एक्स का वैल्यू जीरो ज्यादा लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस वन। ये हमने प्लस वन लिखा हुआ, प्लस वन, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया है, क्योंकि जीरो नहीं लेना है यहाँ पर, इसमें केस में लिखा जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, इसमें भी लिखा जीरो नहीं लेना है, ये समझो इसका मतलब यही होता है ना, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या कर दिया हमने, जीरो नहीं लिया तो ये राइट साइड चलता चला जाएगा। देखो राइट साइड चला जाएगा, वाई का वैल्यू वन, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन, वाई इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट वैल्यू देता चला जाएगा, वाई का वैल्यू वन तो कॉन्स्टेंट वैल्यू देता चला जाएगा। यहाँ जीरो भी ले लिया मैंने, जीरो ऑलरेडी ले लिया, और एक्स लेस देन जीरो माइनस वन, यहाँ से ये माइनस वन हमेशा क्या देगा, इसी हालत में अगर वाई का वैल्यू माइनस वन देगा। अभी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि यह रियल में क्या मतलब कहना चाह रहा है, ये फोटो कैसे बना। अगर वाई का वैल्यू फिक्स कर दो पांच और लगातार पांच पांच ही आ जाए तो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, वाई का वैल्यू माइनस वन लगातार वाई का वैल्यू माइनस वन ही आए तो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। इसका ये ऐसा कहना चाह रहा है कि यहाँ एक्स और यहाँ पर ये वाई है, सपोज करो इस वाई को पता है तुमको, एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, इस वाई को हम लोग एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है,
ये चाह रहा है कि एक्स का वैल्यू मान लो एक से ज्यादा ले लो, एक्स का वैल्यू मान लो एक से ज्यादा ले लो, 1.2, 1.5, 2.8, 2.9 ऐसा कुछ भी लोगे, ऐसा कुछ भी लोगे, एक्स का वैल्यू अगर एक से ज्यादा ले लोगे, एक्स का वैल्यू अगर एक से ज्यादा ले लोगे तो हमेशा तुमको आंसर प्लस वन ही देगा, यानी इसका आंसर वन, इसका आंसर वन, इसका आंसर वन, इसका आंसर वन ही देगा। अगर एक्स का वैल्यू एक से कम लोगे तो एस जी एन हमेशा तुमको माइनस वन ही देगा, मान लो माइनस 1.2 लोगे तो भी माइनस वन देगा, माइनस 3.8 लोगे तो भी ये माइनस वन ही देगा। इसका ये कहने का मतलब है कुछ भी लोगे तुम, अगर नेगेटिव में लोगे कुछ भी तो उसका आंसर हमेशा माइनस वन ही देगा। एक्स 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 का मतलब इनपुट, इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट तुम ये दोगे, इनपुट ये दोगे तो आउटपुट, इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट, आउटपुट तुमको यही मिलेगा। अगर जीरो रखोगे तो यहाँ पे तुमको जीरो मिलेगा। यानी ये क्या मालूम पड़ा, या तो ये रिजल्ट एक ही चीज दे सकता है, या तो रिजल्ट माइनस वन दे सकता है, कुछ भी पुट करोगे या तो माइनस वन दे सकता है, या फिर प्लस वन दे सकता है, या जीरो दे सकता है। तो इसका जो रेंज होगा वो तीन चीज फिर ऊपर नीचे नहीं होगा, इसका रेंज होगा कि आउटपुट, आउटपुट क्या दे सकता है, माइनस वन दे सकता है। तो देखो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में लिया, क्योंकि ये तीन आंसर दे रहा है, माइनस वन दे रहा है, जीरो दे रहा है, वन दे रहा है, तो तीनों आंसर दे रहा है, ऊपर नीचे नहीं दे रहा है, वही फिक्स ही कर दिया, कॉन्स्टेंट फंक्शन बना दिया, वाई का वैल्यू से फिक्स हो, जैसे चलता चला जाए तो ये वाई पर अगर फिक्स हो जाती है कॉन्स्टेंट फंक्शन कहलाता है, अगर एक्स में वाई में इधर से फिक्स हो जाए तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो ये कॉन्स्टेंट होता है, वाई का वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गया तो कॉन्स्टेंट फंक्शन, यहाँ से भी कॉन्स्टेंट हो गया तो कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो इस तरह से हमने इसका ये रिजल्ट पाया कि इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं, इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं, सारे रियल नंबर दे सकते हैं, इसलिए इसको सारे रियल नंबर को माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी ले सकते हैं या फिर अल्फा रियल नंबर ले सकते हैं। लेकिन कुछ भी इनपुट डालेंगे आउटपुट हमको या तो माइनस वन मिलेगा, या तो आउटपुट वन मिलेगा, या जीरो मिलेगा, इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसका ये रेंज हो जाएगा माइनस वन, जीरो और वन। अब ये कैसे आया देखो बच्चे, ये कैसे आया, यहां से आया, यहां देखो, देखो क्या लिखा हुआ, एस जी एन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एस जी एन एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ये भी तुमको रेडीमेड में एमसीक्यू में पूछ सकता है, एस एस जी एन का मतलब सिग्नम फंक्शन, और इंटू एक्स जो तुम्हारा नंबर है, जो तुम इनपुट ले रहे हो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा अपने आप मॉड एक्स आ जाएगा, ये इसका प्रॉपर्टी है एक, ठीक है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को भी समझो, कभी एमसीक्यू पूछ सकता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया ये सिग्नम फंक्शन के बारे में। अब मैं सिग्नम फंक्शन को हटाता हूं और आप आ गए थे हम लोग सिग्नम फंक्शन के बाद, हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो रिलेटेड है, जैसे ये रिलेटेड था मॉडुलस फंक्शन से, वो रिलेटेड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, उससे मिलता जुलता है उसका नेचर, उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मिलता जुलता है। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर पूरा एक वीडियो बनाया है, आपको समझाया है, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, समझाया है, अगर आप वीडियो देखते हो समझते हो तो आपको सीधा सीधा जेडब्ल्यू में डायरेक्ट फायदा मिलेगा, अगर बेसिक समझे हुए रहोगे, वीडियो को बार बार देखोगे, कम से कम तीन बार देखना है, ऐसा नहीं वीडियो देखने के मतलब सर ने वीडियो भेज दिया तो देख लिया, ऐसा नहीं, वीडियो को कम से कम तीन बार देखना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका और नाम है एस ए डब्ल्यू सॉ, सॉ फंक्शन, आरी जैसा दिखता है, आरी जैसा दिखेगा, सॉ फंक्शन भी इसका नाम है। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे साइन होता है, किसी किसी बुक में तो ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है कि नहीं, ये ऐसे लिखा, किसी किसी बुक में ये ऐसे लिखा रहता है, ठीक है कि नहीं। तो ये कैसे बना, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, वो होता है उसमें इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट से बना होता है कोई भी नंबर, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से उसमें नंबर होते हैं, जैसे कि 2.38, तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट उसका, और ये हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट,
कोई भी नंबर इसी से बना होता है, ठीक है कि नहीं। अगर सिर्फ टू लिखा मतलब टू लिखा मतलब अगर 2.0 है तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स इजिकल्स टू कोई भी नंबर इजिकल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऐसे होता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे होता है। अभी हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो इसको इधर को ही रख लो और इसको इस तरफ भेज दो। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा रेडी हो गया फंक्शन इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू एक्स एनी नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर ये जो होता है ये वैल्यू का जीरो तो हो सकता है लेकिन वन कभी नहीं हो सकता। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब सपोज करो 7.38, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता था याद करो 7 लिखते थे। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर ऐसे पूछ देगा 7.38 पूछ देगा, अब क्या इसका आंसर आएगा, इसका तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लिखना है तो 0.38 लिखना है, ये लिखना है यहां पर, इसको ही लिख देना सिर्फ, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस की चलो जो मैंने 7 दिया उसको प्लस करते थे, याद सिर्फ प्लस 7 कर देते थे, अगर मॉडुलस ऑफ 7 करना था तो सिर्फ 7 कर देते थे, इसकी जरूरत नहीं है अभी, मैं समझाने के लिए लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको देखो, अब ये आपको एक चीज बहुत जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत काम आएगा, ये प्लस में तो मस्त हो जाता है कि 7 रखा 7.38 तो 7 आ गया, लेकिन अगर ये -7.38 रखेंगे तो गलत आंसर आ सकता है, कुछ अलग आ सकता है, उसके ऊपर समझना है तुमको, उसको समझना है। तो मैं अभी उसको समझाने जा रहा हूँ, एक और बात समझना बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, समझना है तुमको बढ़िया से कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर हम देखो यहाँ पर 7.38 है, 7.7 था, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सपोज को मान लो -1.38 ये ले लिया, पहले प्लस को समझो, ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ 0.38 आएगा, सिर्फ 0.38 आया। लेकिन अब मैं क्वेश्चन कर दूंगा ये कैसे आता है पता समझ, इसको समझो, यहाँ पे से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारे पास 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या कहीं पे होगा 1.38 होगा। इस अब अगर हम 1.38 का ये पूछा हुआ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पूछा हुआ है तो इसका आंसर आएगा इससे ठीक पहले वाला, इसके ठीक पहले वाला जो है, ठीक पहले वाला जो इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा, उसका आंसर ये होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 0. ये डिस्टेंस क्या है 0.38 है और यही इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, यही क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। अब सवाल है, देखो मैं नया चीज करने जा रहा हूं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं ध्यान से देखना, ये जो ये 1 कैसे मिला पता है, ये 1 कैसे मिला, ये 1.38 का करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसका 1 मिलेगा, ये 1 मिला है तुमको और ये जो डिस्टेंस है वो है फ्रैक्शनल पार्ट 1.038 इसका आंसर आएगा 0.38। अब समझना क्वेश्चन, ध्यान देना, अगर मैं बोल दूंगा -1.38 का क्या आंसर आएगा तो उसके हिसाब से मैं क्या लगता है इसका भी आंसर 0.38 है, लेकिन गलत ऐसा नहीं आएगा, ध्यान से देखना आप इसको, उसमें ये ट्रिक लगाओ, ये कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, एक्स बोले तो -1.38, ये माइनस का साइन, ये माइनस साइन, ये यहाँ पर और एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी -1.38 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 8 लिखा है बच्चे। अब यहाँ पर देखना कि आंसर बदल जाएगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, ये होगा -1.38 माइनस, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर तुमको सपोज करो लोगे ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो -2 आएगा इसका आंसर, इसका क्या आंसर आएगा -2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा यहाँ से -1.38 प्लस 2 यानी 2 -1.38, अब 2 में से 1.38 माइनस कर दोगे आई थिंक 0.62 शायद आएगा 0.62, तो देखो अभी क्या हो गया, अगर -1.38 लेते हैं आंसर क्वेश्चन लेते हैं तो उसका आंसर 0.62 आता है, लेकिन वही अगर 1.38 लेते हैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट में तो उसका आंसर 0.38 आता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है, लेकिन अब इसमें से क्या देखा है कि कुछ भी किया हमने तो रिजल्ट जो हमारा फ्रैक्शन में ही आया और आंसर कभी 1 नहीं आया, कभी यहाँ देखो मैंने यहाँ आंसर लाया 0.38, कुछ भी ले सकते हो, सपोज करो 1.98 तो इसका आंसर आएगा 0.98, 1.99999
तो इसका आंसर आएगा 0.9999 आएगा, लेकिन वन नहीं आएगा आंसर, वन नहीं आ रहा। कभी देखो कभी मैंने रखा इसका आंसर वन नहीं आया, इससे ये मालूम पड़ गया कि इसका आंसर जो है जीरो तो हो सकता है, जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है वो भी समझो, इसका आंसर जीरो तो हो सकता है, जैसे कोई भी नंबर लेंगे तो जीरो तो हो सकता है, जीरो होगा लेकिन वन नहीं होगा। वन तो अभी तक किसी में नहीं आया ना, तो वन इसका मतलब इसका आंसर वन नहीं आएगा कभी। अब मैं इसका ग्राफ बना करके बताऊंगा तुमको, क्लियर होगा। अब यहां पर सपोज करो, यहां पर ध्यान से देखना, देखने वाली बात है कि कुछ भी नंबर लिया हमने तो हमेशा आंसर देखो सिर्फ सेवन ले लोगे, इसको पता क्या ले सकते हो, 7.0 ले सकते हो, तो इसका आंसर आएगा जीरो, ये वाला जीरो, पता चल गया। तो यहां पर ये लोगे आंसर, माइनस भी लोगे, माइनस में भी लोगे, सपोज करो माइनस वाला भी लोगे तो भी आंसर उसका जीरो ही होगा, माइनस सेवन लगो तो भी आंसर उसका जीरो ही होगा, ये आंसर जीरो हो सकता है इसका। इससे क्या पता चला, इसका आंसर जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब ये मालूम पड़ गया, रेंज अगर लिखने जाएंगे, रेंज लिखने जाएंगे तो जीरो तो हो सकता है और वन कभी नहीं आया, 0.999 आया है, वन कभी नहीं, तो वन पे ओपन इंटरवल कर देना। तो यानी कि इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज होगा वो 0 to 1 होगा, लेकिन इनपुट लेने में हमें कोई मना नहीं था, इनपुट कुछ भी ले सकते थे, इनपुट हम कुछ भी ले रहे थे तो चल रहा था। इनपुट तो डोमेन में तुम लिख सकते हो, डोमेन अगर तुम लिखना चाहोगे कि डोमेन, तो डोमेन लिख दोगे, ये सारे नंबर ले लो तुम्हारा क्या जाता है, ठीक है कि नहीं। तो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, रेंज हो जाएगा 0 to 1। अब इसका ग्राफ देखो, ये ग्राफ से पता चल रहा है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि वन तो नहीं हो रहा है आंसर में, आंसर में ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स, और ये जीरो, और यहाँ मान लो वन, वाई का वन, तो वन पे क्या हो रहा है, ये ओपन इंटर, वन नहीं हो रहा है ओपन, फिर यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से ओपन, फिर यहाँ से ऐसे करके ओपन, ऐसे माचिस तिल्ली को से तिरछा कर दो, माचिस तिल्ली को से तिरछा कर दो, तो इसका ग्राफ रेडी हो गया बच्चे। ये हो गया हमारे पास ग्राफ, ये हो गया जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये हो गया ग्राफ इसका। लेकिन देखो कि हमेशा वन पे क्या है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ हमने क्या लिया, जीरो तो ले सकते हैं, जीरो आ सकता था, जीरो को टच कर रहा है, हाँ टच कर रहा है, तो जीरो को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। वन पे देखो यहाँ वाई के वन पर हमेशा ओपन ओपन जा रहा है ओपन, क्योंकि वन तो कभी आंसर आया नहीं, चाहे हमने कोई भी नंबर रखा, तो वन पे ओपन। लेकिन इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं अभी, चूंकि देखो यहाँ से ध्यान से करो, जैसे एस एस सी अगर ज्वाइन करते हो सपोज करो, समझने के लिए आरी जैसा दिखेगा, आरी जैसा दिखता है सीधा सीधा सीधा, इसलिए इसका नाम क्या है, सॉ फंक्शन, जैसे काटते हैं ना आरी, चक्कर लकड़ी को काटने वाला आरी, तो इसको कभी कभी सॉ फंक्शन भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया सॉ फंक्शन। और एक प्रॉपर्टी देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर ये फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर एक और लगा दो तो भी इसका आंसर फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा, यानी सपोज करो 1.38 ही ले सपोज कि ये और इसके ऊपर ऐसे लगा दो, इसका आंसर क्या आ गया 0.38। अब इसका आंसर करोगे 0.38 का 38 ही रह जाएगा, 0.38 आ जाएगा, इसका आंसर करोगे 0.38, इसका आंसर क्या 0.38 का वही रह गया, तो इसलिए हमने यही लिख दिया, यही इसके ऊपर करोगे तो इसका आंसर ये आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी चर्चा करें, अगर हम चाहते दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हैं तो और भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं हम लोग, कि कभी ऐसा लिखा जाएगा, डोमेन मिटा दूं, कभी ऐसा लिखा जाएगा बच्चे ये भी प्रॉपर्टी कि ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके ऊपर ये लगा दिया, या फिर अंदर में ये है उसके ऊपर ये लगा दिया, दोनों ही केस में आंसर जीरो ही आएगा, दोनों ही केस में आंसर जीरो ही आएगा। देखो सपोज करो यहां पर लेता हूं मैं 1.45 लेता हूं, ये उसका ये आंसर, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर अगर निकालोगे इसको ये बाहर का साइड में, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन वन बोले तो क्या 1.0, और यहाँ पे इसका 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 फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा तो क्या आएगा जीरो, इसका आंसर क्या आ गया जीरो आ गया, तो इसका आंसर भी जीरो। अब इसके ऊपर आता हूँ, इसके ऊपर चर्चा करें, अगर इसका चर्चा करें तो ये भी हो सकता है हमारे पास, तो ये सब आपको जे डबल ई क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मेंस में, गुजकेट में, जे डबल ई ज्यादा, गुजकेट में थोड़ा कम, जे डबल ई ज्यादा पूछा जा सकता है। सपोज करो ये इसको लो 1.4.78 ले लो सपोज करो, ये है उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलो अब यहाँ पे इसको रहने दो पहले, अंदर में इसका आंसर क्या आएगा 0.78। अब यहाँ इसका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इधर वाला आंसर, ये वाला इधर वाला, इसका आंसर आएगा जीरो। तो ये दोनों केस में क्या हमें आंसर मिला, दोनों केस में क्या मिला, जीरो मिला। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप फोकस
कर सकते हो। मैंने ग्राफ भी समझा दिया और ये सब कैसे बनता है ये सबसे देखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कोई नंबर में वो माइनस होता है। और हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं ये हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है। ये उसका मतलब हो गया नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू है हमेशा, ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होता है, एक भी नहीं होता है, पर पॉजिटिव तो पक्का ही पक्का होता है, पॉजिटिव होता है। और एक्स जो होता है हमेशा इससे तो ज्यादा होता है। ये भी प्रॉपर्टी कभी कभी पूछ सकता है, ये प्रॉपर्टी भी ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या था, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी हमने आज रेडी कर लिया, ठीक है कि नहीं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं बच्चों। अगले क्लास में सिखाऊंगा फॉग गॉफ हॉग, वहां के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा।